अखिल भारतीय महात्मा फुले प्रतिष्ठान नागपुर जिला द्वारा नागपुर के संविधान चौक पर मनुस्मृति दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान ओबीसी की मांग के साथ प्रतिष्ठान के सदस्यों ने मनुस्मृति का दहन किया। ज्ञात हो कि 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है, जिसके तहत बाबा साहब को याद कर मान वंदना दी जाती है। संविधान चौक पर भी कार्यक्रम के दौरान आयोजकों ने ओबीसी आरक्षण का मुद्दा वीकेबी न्यूज के समक्ष रखा। गौरतलब है कि 25 दिसंबर 1927 को महार सत्याग्रह के दौरान बाबा साहेब आम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था, जिसके पीछे की वजह शूद्रों की तुलना जानवरों से भी गई बीती करने का कारण था। वहीं महिलाओं को मनुस्मृति में कोई जगह नहीं दी गई थी, जिसके कारण एक पुस्तक प्रेमी रहते हुए मनुस्मृति ग्रंथ का बाबा साहब ने दहन किया था और अपने समाज को एक नई राह दिखाई थी। इसी कड़ी में 94 वर्षों बाद भी अम्बेडकरवादी बड़ी संख्या में देश भर इकट्ठा होकर मनुस्मृति का दहन करते हैं, जबकि महिलाएं स्त्री मुक्ति दिवस के तौर पर इसे मनाती है। नागपुर के संविधान चौक पर बड़ी संख्या में अखिल भारतीय महात्मा फुले प्रतिष्ठान द्वारा मनुस्मृति दहन दिवस मनुस्मृति का दहन किया गया। जी, आज यहाँ पे मनुस्मृति दहन दिवस संपन्न करने के लिए हम यहाँ पे आ गए। मेरा नाम है प्राध्यापक दिवाकर गमे, महात्मा फुले समता परिषद का मैं विभागीय अध्यक्ष हूँ और हमारे समता परिषद संस्थापक अध्यक्ष है माननीय नामदार छगनराव जी भुजबल साहब, जो फुले शाह आम्बेडकर के विचारों के प्रतीक है, उनके आश्रय में लाते हैं, उनके विचारों पे चलते हैं। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का जो विचार है, यही विचार सर्वहारा है और समाज को उन्नत करने वाला है, ऐसी उनका विश्वास है, हमारा भी विश्वास है। और उसी विश्वास के साथ आज हम मनुस्मृति जलाने के लिए यहाँ पे आए। अभी 1927 साल में 94 साल के पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाई थी। क्यों जलाई थी? इसलिए वो जलाई थी कि उस मनुस्मृति में महिला हो, दलित हो, बागा समाज का हो, उसके ऊपर अनवर्णित अत्याचार किए गए। महिला वो ब्राह्मण समाज की हो या दलित समाज की हो और समाज की हो, उसको शिक्षा का कोई अधिकार नहीं था। इसके विरुद्ध में वो उन्होंने बंड किया था। सावित्रीबाई फुले इन्होंने शिक्षा का अधिकार महिलाओं के देने के लिए क्या क्या जेले, मैं ये इसमें कह नहीं सकता, आपको सबको मालूम है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इसलिए मनुस्मृति जलाई थी, शिक्षा को अधिकार दिया था, संविधान लिखा, सबको समान अधिकार दिया। लेकिन आज 94 साल के बाद भी हम देखते हैं कि यहाँ की जो भाजपा सरकार है, यहाँ की जो केंद्र की सरकार है, महाराष्ट्र के विरोधी पक्ष नेते जो भाजपा के हैं, वो इस आड़ से ओबीसी के अधिकार छीन रहे हैं, दलितों के अधिकार छीन रहे हैं, हमारे एससी एसटी समाज के अधिकार छीन रहे हैं और मनुस्मृति का पुनर्स्थापना कर रहे हैं। उसका विरोध करने के लिए और समाज को बताने के लिए नहीं, अभी भी मनुस्मृति जीवित हो रही है, उसको जलाना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पे आए, ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए। जब तक आरक्षण मिलता नहीं, तब तक यहाँ की कोई भी चुनाव हम नहीं देंगे। और यही जताने के लिए ये भाजपा सरकार को, धर्मांध सरकार को, कि अभी भी 94 साल के पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो मनुस्मृति जलाए, आज भी हम उसके पाइक है, आज भी हम खुलेआम से जलाते हैं। इसलिए आज हमने यहाँ पे मनुस्मृति जलाई है और सबको बताया कि जागते रहिए, मनुस्मृति फिर से आ रही है, इसको हमको बार बार जलाने का है। परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान जो है, जो हमको दिया है, वो हमको बचाना है, इसलिए हमने यहाँ पे मनुस्मृति जलाई है। और यहाँ पे सब लोग आए थे और उन्होंने मनुस्मृति जलाने में भाग लिया, इसी कारण में हम यहाँ पे हुए।